सर मैं शायद वो मुझसे मांगे ना जेब में डाली हुई थी, ये देखना ये मैंने कुछ निकलवा लिखी ना पैसे यार, तुमने मुझे नींद ही नहीं दी। इधर आ तुझे मैं इधर बनो, ये इससे कम पैसे पड़े हैं भाई मिले। ए हम मैं वापस ले बाकी 400 रुपया मुझे ला कर दिए। बन रही है ना मेरी बनाई थी। ठीक है यार, आज पहली बार चला रहा हूँ आपको मार इसका। तो दे यार एक बड़ी जूती का मसला है। नहीं जूती का अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, सुबह सुबह टाइम है और वैसे भी आज ईद का दिन ही है, तो अभी मैं यार टाइम देख रहा हूँ मस्जिद में ना, जो जामे मस्जिद है ना, 7 बजे वहाँ नमाज होनी है और टाइम अभी हो रहा है तकरीबन 6:50 हो रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट रह गए। 10 मिनट में मैंने यार व्लॉग भी बनाना है और छोटी फैमिली व्लॉग भी बनाना है, 2 व्लॉग्स बनाने हैं तो टाइम अभी लगेगा। लेकिन अभी भाई नहा रहे हैं ना, तो उतनी देर नहा लेते हैं, उतनी देर हम वीडियोज़ बना लेते हैं। ठीक है, बाकी कपड़े मेरे वो पड़े हैं ये ब्रश की, चलो मैं अपने कपड़े उठा के लेके आता हूँ पहले, सबसे पहले और फिर हम रेडी होते हैं। ये कपड़े मैं उठा लाया हूँ, कुर्ता और शलवार। ठीक है, ये हम फटाफट चेंज करते हैं, उसके बाद बल्कि ट्रांजेक्शन ही कर लेते हैं। ये शलवार को रख देता हूँ, नहीं तो मेरी शलवार मैंने नहीं है कभी से नहीं। तो दोस्तों आखिर भाई तैयार हो गया? हाँ भाई, कैसा लग रहा है फिर? अच्छा, और अभी चलते हैं यार, फिर कगा करता हूँ और परफ्यूम लगा दो, मीठा खाना है क्योंकि मीठा जाते वक्त ना मीठा खाना सुनत है ना, तो वो ज़रूर खाना है। तो उसके बाद ही नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मिल जाए। ओके, अभी देर हो गई यूसुफ, अभी भी यूसुफ आ जाए यार, आ जाए। इसने बहुत देर लगा दी, बाप बाप फाइनली हमीद की नमाज। कपड़ा ले लिया, सर यूसुफ वो जा रहे थे, आगे निकल गए यार। दोस्तों इस तरह रात को ना मैंने ना एटीएम से ना ईद निकलवा ली थी ना यूसुफ के लिए ना, मैं कहा शायद वो मुझसे मांगे ना, मैं डाली हुई थी ये देखना, ये मैंने कुछ निकलवा ली थी ना पैसे, मैं कहा चलो इसे मैं दे दूंगा ना, लेकिन इसने मुझसे ना अभी तक मांगी नहीं है। आगे मैं यही सोच रहा था, मैं कहा यार पता नहीं क्यों नहीं मांगी, शायद क्योंकि इसने ना भाई से ले लिया और घर वालों से ले लिया सबसे, लेकिन मुझसे नहीं मांगी, मुझसे छोटा है ना, तो मेरा हक बनता है इसे देने का ना, तो जितनी मेरी गुंजाइश है मैं तो इसे दूंगा। तो अभी मुझे लगता है वो बाहर गया हुआ है, बाहर से आता है दोस्तों के पास गया होगा ना, बाहर से आता है तो फिर मैं इसे आपके सामने पूछूंगा ना भाई तूने इधर ही ले ली, तो फिर देखेंगे खुश हो जाएगा, हाँ दे दे मुझे, इसी तरह बोलेगा। देखिए अभी बाहर गया बोलिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर यार मैं और यूसुफ अब हम जा रहे हैं क्या नाम है नान लेने, क्योंकि यार भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, घर सिर्फ सालन बनी है और रोटी छोटी वो कहते हैं बाइक से लेके आओ। ठीक है यूसुफ चले यार, तुमने मुझे हाँ नींद ही नहीं दी यार, इसे पता चल गया यार। चल ठीक है, मैं तेरे लिए पैसे निकलवाए थे तो ये ले, इधर आ तुझे मैं इधर ये फुल इससे कम पैसे पड़े हैं भाई मिले। बाकी 400 रुपया मुझे ला कर दे, 400 रुपया लूंगा मैं तुझसे। ठीक है ना, ये पकड़ ले। ठीक है, हम बस पैसे हैं पड़े, वो हम लेने चलते हैं। ठीक है, 500 में खुश हो, बल्कि 100 रुपया तुझे दिया है, बाकी 400 मुझे बकाया देना। ठीक है ना, तुमने अच्छा चला सबको भाई, ऐसे दे छोटा है भाई 100 रुपये में, कहता मुझे ईद बहुत है, 100 रुपया ईद बहुत है, 400 मुझे बकाया देगा और मैं इसे लूंगा भी सही देखना। तो अभी चलते हैं फिर हम बस। मैंने अंकल को कह दिया अच्छे वाले लोग नहीं जो होते ना दिल वाले वो ना, पर ठीक है वही लेके चलते हैं। पूरा दुकान पे रश नहीं था, नहीं तो बहुत ज्यादा रश होता है। मैं ले तो पूरा शॉपर ले आया हूँ, मुझे लगता है वो भी ज्यादा ले आया हूँ, कम लेके आना था। A few moments later. इस तरह है, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए। ठीक है, अब हम जा रहे हैं गाँव, कपड़े मेरे इसलिए चेंज किए हुए यार, उधर जाकर मैले हो जाने हैं वाइट से बात के। ठीक है, बाकी ये भाई चंदन साहब का यार, उधर मिट्टी वगैरह होगी ना तो कुर्ता मेरा खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं पहन गई, मैंने वो उतार दिया और चेंज कर लिया ना, तो उधर शर्ट पहन लिया, तो मैंने कहा यही चलो पहन के चलते हैं, बाकी कल पहन लूँगा। और मेरा नया एक ही सिलवाया था नया सूट ना, तो गरीब ना यार इसलिए समझा करना, नहीं नहीं यार गरीब नहीं कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जैसा भी इंसान के हालात हैं। तो अभी चलते हैं फिर गाँव, तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट का सफ़र है। बाकी सोच वाले देते 500
ये वाला स्लो डाल रहा है इतना, तो उन्होंने कहा खुद ही स्लो डाल रहे हैं क्योंकि नहीं बस स्पीड नहीं, स्लो ही डाल रहे हैं। सही है सही है। अब पता चल गया अंदर से स्लो ही डलवाऊंगा, ठीक है ना। ये कुल ले यार, ये ईद देंगे रास्ते में बच्चों को। चलिए देख कितनी मिट्टी है यार इसके। भाई आपका भाई कपड़े चेंज कराया था ना, ये देखो फुल मिट्टी है यार। गर्मी भी है वैसे, आपस की बात है। मौसम थोड़ा सा सेट हुआ है, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार। चलो चलते हैं अभी, बहुत ठंडी हवा चल रही है और बस चलते हैं घर। ईद थी इसलिए आए हुए थे ना यार। मैंने सोचा था, मैंने कहा यार यहाँ पे ना गाड़ी थोड़ी देर ना चलाऊँगा, लेकिन वो मुझे याद ही नहीं आया यार, सच्ची मैं भूल गया था, नहीं तो आज मैंने ज़रूर चलानी थी। मैं मैंने भाई को बता कह दिया, लेकिन आज पहली बार आपका भाई गाड़ी चलाएगा। ये वाला यार रोड सही है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़े सा मतलब चलाता हूँ थोड़ी यार ना, तो भाई कर दीजिए मोड छोड़ के खड़ा खड़े बट ठीक है। आप वीडियो सही बन रही है ना मेरी बनाई थी। चल ठीक है यार, आज पहली बार चला रहा हूँ आपको मार। रेस यार नहीं चलानी आती भाई। और यार पीछे से यार ये देखिए इतनी जोर से यार, वो मैंने शुक्र इसकी व्हीलिंग नहीं उठी, मोटरसाइकिल होता ना व्हीलिंग उठ जाती यार। मैं ना नर्वस था, वो मुझे ना पाऊंगा अभी थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो रही, पहली बार चलाई थी ना इसलिए। यार उसने लड़के ने वीडियो ही बंद कर दी यार। पता क्या था, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, मैंने जब बैक किया ना तो वो फुल मैंने मुझे नहीं चलानी है यार, वो वीडियो सारी उसने बंद कर दी यार क्लिप ना, नहीं तो बहुत शुगल वाली क्लिप था, पहली बार चलाई थी नहीं चलानी आती यार मुझे। मैंने दोबारा बाइक को उठा लिया वीडियो के चक्कर में सिर्फ ने, तो मैंने कहा यार एक बार क्लिप बनाया हुआ है तो मैंने ज़रूर चलानी है, ठीक है। तो चलो ठीक है ठीक है यार, पता नहीं बैठा जरा तू दे देना भाई भाई, चलिए ना ठीक है। हाँ राइट दबा रेस का, तो यार एक मिनट जूती का मसला है। नहीं मसला नहीं है। हाँ, वो पैर बहुत लगे दुबा फोल लगे करना। हाँ फोल तले तक दुबा। अच्छा रेस नहीं देनी। अच्छा होना देख आ करता। हाँ ना ठीक है, चल थोड़ी थोड़ी रेस दे, आराम आराम ना थोड़ी रेस, हैंडल रेस दे पर छाड़ो। अच्छा, रेस कर उतर जा तेरा काम गजब बेइज्जती है चल। यार कोनी लगी है यार फोल भाई, बस दबा दा। ये देखना ये सारे मैंने ड्रिफ्टिंग मैंने की है यार, ये देखे पुलिस यार व्हीलों को फुल पकड़ के घुमा देता हूँ, ये देखे मिट्टी में ये वो वाला देखे वो वाला व्हील ड्रिफ्टिंग। भाई आपका भाई ड्रैग ड्रिफ्टिंग सीखेगा ड्रिफ्टिंग के यार, ऐसे मैंने वो मारी ड्रिफ्ट जैसे पता नहीं पीछे कितना लोड हो, ये देखे फुल टाइल मिट्टी मिट्टी यार। बाकी मुश्किल है यार, मुझे नहीं आएगी चलानी, सही बात है। पहली बार चलाई थी ना कसम, वो बड़ा मज़ा आया था यार सच्ची, तब मतलब डर गए थे जो अंदर बैठे हुए थे ना, सही बात है। अभी पहुँचाऊँ वो और गाड़ी खड़ी करवाई है यार, इस तरह था हमें ना जल्दी आना था उधर से ना, तो इसीलिए ना मैंने वहाँ ज़्यादा देर गाड़ी नहीं चलाई। इंशाल्लाह यार आपका भाई इसी साल में गाड़ी सीख लेगा। अब कौन यार थोड़ी सी मुश्किल है, तो मैंने खुद जैसे मुझे पता है तो मैंने खुद ही वैसे चलाई थी ना, जो पहला क्लिप था ना यार वो बहुत लेवल का था, लेकिन उस लड़के ने जो पीछे बैठा हुआ था ना उसने उस टाइम वीडियो ही बंद कर दी, तो इसीलिए ने वो नहीं बन सका ना, तो दूसरा क्लिप इतना मज़े का नहीं था। बाकी चलो कोई नहीं, खैर है आज के व्लॉग बस मेरा यही है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलती है आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़।